तो यहाँ हमें ईमान की नेमत पर अल्लाह का शुक्र और तरबियत की नेमत पर वालिदैन का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया गया है। सुफियान इब्ने उयना कहते हैं, जो 5 नमाजें अदा करता है तो गोया वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, और जो हर नमाज के बाद वालिदैन के हक में दुआ करता है तो इस तरह वो उन दोनों का भी शुक्र अदा करता है। तो जो मुसलमान नमाजों का पाबंद हो और नमाज में फिर आखिर में रब्बी जालनी मुकीम सलात व मिन जुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ रब्बना अग़फिरली व लिवालिदैया अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है, और फिर अगर इसके बाद हम ये दुआ भी पढ़ लिया करें रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो इस तरह दोनों फराइज अदा हो जाते हैं। तो इलैय अल-मसीर, मेरी ही तरफ तुम्हें वापस लौटना है, यानी ये क्यों याद दहानी कराई गई कि अल्लाह की तरफ वापस लौटना है, ताकि इंसान याद रखे कि अगर उसने इस हक में कोई कमी कोताही की तो उसकी पकड़ हो सकती है, उससे पूछा जाएगा। इसलिए इस वसीयत को जाया नहीं करना चाहिए, इस हुक्म पर अमल करना चाहिए।